अस्सलाम वालेकुम। ये क्या करवाने आए आप यहाँ? सर्विस करवाने हैं। किस चीज़ की? जानवरों की सर्विस होती है हैं? जी भाई। ये लोग ईद के मौके पर जानवरों की सर्विस करवा रहे हैं, यानी नहलाने के लिए आए हैं। एक सर्विस स्टेशन है जहां मोटरसाइकिलें और कारों की सर्विस होती है। अब यहां पर गाय भैंसों और मुख्तलिफ जानवरों की सर्विस की जा रही है, आप लोग देखें। जी क्या करवाने आए हैं यहाँ पर? ये सर्विस करवाने हैं। सर्विस करवाने हैं किस चीज़ की? गाय की सर्विस। इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं? ये कौन सा एरिया है? ये जाकाबाद। कौन सा नंबर? पाँच नंबर। ये देखे, काफ़ी लोग यहाँ पर अपने गाय भैंसों की सर्विस करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर्विस के लिए लाए गए हैं सर्विस स्टेशन पर। ये देखें आप, भारी भरकम कचड़े यहाँ पर लाए गए हैं सर्विस के लिए। और हर साल की तरह ये इन्होंने सर्विस का सिस्टम शुरू किया हुआ है और 100 रुपये जानवर का देते हैं जल निभाने के लिए। और आप जब जानवर को देखें और जानवर की कीमत देखें, ये कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये इनकी बहुत ही अच्छी, ये हर साल की तरह ये करते हैं, खिदमत ही है कि किसी जानवर की। सर्विस होने के बाद बछड़ा निखर गया, साफ हो गया, निखर गया बिल्कुल। सर्विस खुले हैं ये तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और आप क्या हिफाजती काम लेते हैं कि भाई कितना हो, इस हवाले से सेफ्टी के लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं बहुत करता हूँ, जब काम शुरू करता हूँ ना, ये अल्लाह मेरी भी हिफाजत करता हूँ, जानवर की भी हिफाजत करता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़े से पागल जानवर अगर आता है जो 90 डिग्री के दावे लाते मारते हैं, हमें लाते पड़ती नहीं। मगर क्या है कि उनके लिए हमें 2 इंच मोटा गाड़ी बिछाते हैं ताकि उसमें पानी भर जाता है, उसमें जानवर खड़ा करते हैं, जानवर स्लिप नहीं मारता है और उसको जिस कूड़े से भरा जाता है कूड़ा इतना मजबूत है वो कितना ही जोर लगा रहे फूटा ही डूबेगा। अच्छा, उमूमन ऐसा होता है कि सर्विस स्टेशन पर कार या मोटरसाइकिल की सर्विस की जाती है, आपको कैसे ख्याल आया कि आप जानवरों की सर्विस भी करें? मेरा भी काम यही है, कार और बाइक की सर्विस के, ये मेरा मेन काम वही है। मगर कैसे ख्याल आया? ख्याल इसलिए आया कि जब हम लोग हज पे जाते हैं तो जो वहाँ के मकामी होते हैं वो अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत करते हैं, कंटेनर के मुँह पे मुँह खोल देते हैं, तो मेरे को जज्बा है, मैंने कहा है
क्यों ना कोई ऐसा काम पाकिस्तान में बैठे कराया जाए जो अल्लाह की रजा की, हम सारे काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह की मर्जी के लिए करते हैं, हज करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फीस के लिए अल्लाह के लिए। तो ये फीस जो है मैं जानवर की जगह पर ये फीस अपने काम का करता हूँ। 100 रुपये का मैंने बैनर लगाया, जो 100 रुपये से इनकम होती है वो मैं नहीं रखता, उससे किसी बेवा का घर चलता है। ये बात आज आपको बता रहा हूँ, किसी चैनल को नहीं बताइए कि 100 रुपये मेरी फीस नहीं है। अगर आप जानवर निलाने लाएंगे कम से कम 500 रुपये के जानवर का खर्चा आता है, मगर मैं फीस अभी निर्णय करता हूँ और 100 रुपये जो है किसी बेवा के घर के खर्च के लिए देता हूँ। मैं यहाँ इसलिए फ्री नहीं करा कि जहाँ इतने जानवर आ जाएंगे मैं नहला नहीं सकूँगा। क्या कराने लाया? तो घर में क्यों नहीं किया आपने? यहाँ 100 रुपये दे गया सभी से दुनिया दी थी, यहाँ रोज करवाने दिया थी। अच्छा, क्यों ना है उसको बेटा, क्यों ना है आप नहलाने सर्विस कराने? यहाँ तो मोटरसाइकिल और कारों की होती है, गाय की भी होती है। गाय की भी होती है? वेरी गुड। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।